पब्लिक टीवी आपकी आवाज। क्या सोचकर आपने राजनीति की डगर पर अपनी शुरुआत की है? जो अव्यवस्थाएं शहर में फैली हुई हैं, उनको देख करके बहुत मन दुखी होता है। राजनीति में ही आकर इस तरीके से काम करने की क्यों उठा नहीं सकते? विधि के द्वारा सबको अधिकार दिया गया है, कोई तो आगे आएगा। किस तरह का रुझान है? लोग बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। नालियों से हाथ से कूड़ा निकलवाया जाता है। आप फाइट किससे मानकर चल रहे हैं? फाइट हमारे सामने कोई नहीं है। नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में अब प्रत्याशी उतर चुके हैं। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं हमारे साथ चंदन भट्ट। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं और उन्हें जनता का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। चंदन भट्ट जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले जानना चाहेंगे, चुनावी मैदान में हैं आप, और क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, क्या सोचकर आपने राजनीति की डगर पर अपनी शुरुआत की है? देखिए, जो अव्यवस्थाएं शहर में फैली हुई हैं, उनको देख करके बहुत मन दुखी होता है। ठीक। अच्छा, नगर निगम के जो प्रशासन है, वहाँ पर बार बार शिकायत करने पर भी जब कोई निस्तारण नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है। जबकि हम अधिवक्ता, लॉ इन्फोर्समेंट हमारा वर्क है, हम वो देखते हैं। जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम जनता तो त्रस्त है, बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। तो वो बदलाव की एक चिंगारी है जो हम जला रहे हैं। इसी बदलाव को लेकर के हम चुनाव मैदान में उतरे, क्योंकि इस तरह की आप फाइट और भी तरीके से, बहुत सारी तरीके हैं फाइट करने के लिए, क्योंकि जब चुनावी मैदान में उतरने से पहले भी कोई और रास्ता भी चुन सकते थे, लेकिन अचानक आपने राजनीति में ही आकर इस तरीके से काम करने की क्यों उठा नहीं सकते? देखिए, विधि के द्वारा सबको अधिकार दिया गया है, कोई तो आगे आएगा। ठीक। आप आ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हो चुनाव, मैं भी लड़ सकता हूँ, तो आप नहीं आए तो मैं आ गया, बस इतनी सी बात है। इसीलिए एक परिवर्तन है, और ये तो मेरे को सेवा का मौका दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, जनता के द्वारा, है ना। तो अब इसमें तो कोई इवेंट वर्ट नहीं है, है ना? या ये भी सोचा जाए कि जो एक, क्योंकि राजनीति को एक दलदल समझा जाता है, लोग समझते हैं, जानबूझकर लोग इस तरफ नहीं आना चाहते या अपना रुझान इस तरफ नहीं दिखाना चाहते, इसकी भी कोई खास वजह मान सकते? जी देखिए, मैं इस बारे में बता दूँ, जो समस्याएं हमको फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक, आर्थिक समस्या चुनाव को लेकर के, इसीलिए लोग नहीं आना चाहते, है ना। हम लोग बहुत सीमित संसाधन वाले लोग हैं, हमारे पास बहुत चुनाव प्रचार को नहीं होता। ठीक। आप जैसे राष्ट्रवादी लोग, पत्रकार लोग हमारे पास आते हैं, हमसे इंटरव्यू लेते हैं, यही हमारे लिए बहुत है, नहीं तो कहाँ हमको मौका मिल पाता है। आप देखिए, कितनी कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घूम रही हैं चुनाव प्रचार में, हमारे पास गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, है ना। हम तो 1-to-1 लोगों से मिल रहे हैं, तो इसी चीज़ को लेकर के लोगों के पास पैसे नहीं होते और इसमें इसी वजह से लोग आगे नहीं आ पाते। क्योंकि आप जनता के बीच आ रहे हैं, अब चुनावी सफ़र जो है एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हो गई है, किस तरह का रुझान है जनता के बीच में जाकर, किस तरह का आपको माहौल मिल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, लोग बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। ठीक है, हमारा मैनिफेस्टो है, हमने पूरी चीज़ें फ्रेम करके जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है हमारा मैनिफेस्टो, इसमें पूरी बातें इसमें लिखी हुई हैं, हम जनता को लेकर के जा रहे हैं इन सब मुद्दों के ऊपर। ठीक है, जैसे मुद्दे हम इसमें आपको बता दूँ बहुत शॉर्ट में, नगर निगम के द्वारा जो पिछले कार्यकाल में जो किया गया है, जो इन्होंने सफाई कर्मचारियों की जो छटनी करी है, उससे बहुत अव्यवस्था फैल गई है। ठीक। मैं इस संबंध में ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम 10 दिन के अंदर 50,000 सफाई कर्मियों को इसमें लगाएंगे, और हमारी ये रहेगी कि हम डायरेक्ट उनको लें, बिचौलियों का कोई चक्कर नहीं होगा। ट्रिपल इंजन सरकार कहा जाता है, क्या हुआ? क्या घोटाले, खूब घोटाले। ठीक। अच्छा, इसमें हमारी कार्य योजना ये है कि हम घरों से कूड़ा जो उठवाएंगे, निशुल्क उठवाएंगे, बिल्कुल फ्री और कंपलसरी कूड़ा कलेक्शन होगा। मीनिंग देयर बाई कि कूड़ा सड़क पे जाएगा ही नहीं, कूड़ा सड़क पे जाएगा नहीं, नाली में जाएगा नहीं, तो नाली से कूड़ा निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ठीक।
तो जो आप पैसा नाली से कूड़ा निकलवाने में लगा रहे हो, वो आप पैसा यहाँ क्यों नहीं लगा देते भाई? वो कार्य हम करके दिखाएंगे, इनके पास विजन नहीं है। तो क्या ये अपने उस काम को सही से नहीं कर पा रहे? ये भी तो कूड़ा उठवा रहे। इनके पास विजन नहीं है भाई। अरे यार, जो काम हम कह रहे हैं, हम घर से फ्री में कूड़ा कलेक्शन करवाएंगे, क्या क्या फायदा होगा? घर से कूड़ा कलेक्शन होगा फ्री में, सीधे ट्रॉली में जाएगा, ट्रॉली से सीधे वो डंप हाउस में चला जाएगा, ठीक। बीच में कहीं गिरा? नहीं गिरा। नाली में फंसा? नहीं फंसा। जब नाली में फंसा नहीं कूड़ा, तो नाली साफ करने की जरूरत क्या, ठीक। सीवर लाइन है, ड्रेनेज है, उनमें फंसा नहीं, तो अब फंसेगा तो आप उसको निकलवाने के लिए एक सिस्टम लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, पैसा खर्च करेंगे। अरे भाई साहब, वो पैसा आप यहाँ खर्च कर दो ना, ठीक। कूड़ा फैलेगा नहीं, बीमारी नहीं फैलेगी, ठीक है। तो एक विज़न होना चाहिए। है विज़न? नहीं है। सिर्फ 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 इतना कि कैसे पैसा मिले, कहाँ से पैसा मिले, इसलिए योजनाएं डिले हो रही हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, कमीशन मिलने का कोई रास्ता खुले तो उसका आगे टेंडर हो जाए, इसका इंतज़ार होता है और कुछ नहीं। निकाय चुनाव के दौरान आप फाइट किससे मानकर चल रहे हैं? कौन सा ऐसा प्रतिद्वंदी है आपके सामने जो फाइट में रहे? देखिए, फाइट हमारे सामने कोई नहीं है, ठीक। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अपनी जनता हमारी हमने अपनी बातें जनता तक कम्युनिकेट करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ा आर्थिक तंगी है। जैसे तैसे आप जैसे भाई राष्ट्रवादी लोग हमारे पास आ जाते हैं, तो हम आपके थ्रू बहुत अच्छा हमारा प्रचार हो जाता है, हमारी बातें पहुँच जाती है जनता तक। बस इतनी सी बात है, ठीक। हम लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर घर लोग जा रहे हैं, हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है ना, तो बस कम्युनिकेशन की बात है। कम्युनिकेशन हो जाए तो कुछ नहीं है, सब गायब है हमारे सामने। लेकिन विपक्ष, अगर समाजवादी, भाजपा, सपा, ये सारे लोग तो कहते हैं कि यूपी में आम आदमी पार्टी अब तक कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई, कहीं पर खाता नहीं खोल पाई। देखिए, खाता खोलने की बात तो ये है कि मेहनत कर रहे हैं जो अन्य राजनीतिक दल हैं, जो वो धार्मिक और वो जो उन्माद फैला करके, जो ध्रुवीकरण करके जो राजनीति करते हैं ना, ये उसका नतीजा है। हमें केवल अपनी बात कम्युनिकेट करनी है। जिस दिन हमारी बात सही से कम्युनिकेट हो गई, बस मंडी समिति वाली वो रोड है, उस पे चलिए, कितने सारे ठेले सड़कों पर आपको मिल जाएंगे। सड़कें चलने लायक जगह नहीं बची उसमें। नगर निगम का क्या रोल है? नगर निगम को वेंडिंग जोन बनानी चाहिए, ठीक। अब वो सड़कों पे ठेले लगते हैं तो पुलिसकर्मी उनको कभी दाएं भगाते हैं, कभी बाएं भगाते हैं। अब वो उनकी ड्यूटी है सड़कें खाली कराना, ठीक। ऐसे में क्या होता है, उनका फल गिर जाता है, सब्जी गिर जाती है। अब वो बिक्री करें या भागे, अपना सामान बचाएं। तो नगर निगम की सबसे बड़ी खामी है कि उनको वेंडिंग जोन बनाकर देना चाहिए। नहीं, नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के तहत कहा कि हम वेंडिंग जोन बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? दिखा, क्या लगता है? दिखा आपको कहीं, कहीं बता दे कहाँ है वेंडिंग जोन, कहीं लगा आपने? नो वेंडिंग जोन के बोर्ड मिल जाएंगे आपको। वेंडिंग जोन का कोई बोर्ड मिला आपको? नहीं मिला, ठीक, ना मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हमारे मार्केट एरिया में मंगल के दिन छुट्टी रहती है, मंगल के दिन रेड़ी पटरी की मार्केट लग जाती है, ठीक। बाकी 6 दिन कहाँ जाते हैं वो लोग? हमारी कार्य योजना में ये शामिल है कि हम रेड़ी पटरी वालों को 7 दिन के लिए स्थान देंगे। तो ये थे हमारे साथ में चंदन भट्ट जी, जिन्होंने हमारे सवालों के सीधे तौर पर जवाब दिए हैं और जनता से उम्मीद जताई है कि जो 4 तारीख को जो मतदान होगा वो उनके पक्ष में होगा। अब देखना होगा कि जनता किसका भाग्य लिखती है और कौन मुरादाबाद की सीट, मेयर सीट पर अपना दम भरता है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।